सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। जगदलपुर में थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस संपत्ति संबंधित अपराधियों की लगातार जांच कर रही है। पतासा जी अभियान के दौरान बाइक चोरी करने वाले चोर को पकड़ने में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से 1 मोटरसाइकिल, कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड के लिए माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण में थाना परपा को एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपी सेवकलाल उर्फ सतीश सिन्हा, निवासी एकटागुड़ा कुसमी, थाना बकावंड से थाना परपा की टीम ने चोरी के 4 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। आरोपी से जो 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उनमें से 2 मोटरसाइकिल की चोरी की अपराध का प्रकरण थाना परपा में ही दर्ज है, 1 का प्रकरण कोतवाली में दर्ज है और 1 अन्य जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में पता की जा रही है। आरोपी सेवकलाल को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। सरगुजा में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। आरोपी बेटे ने कुछ ही घंटों में पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक के सर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं थाना प्रभारी उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव और पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है। पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहकारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। इसके हड़ताल में चले जाने की वजह से प्रदेश में 3 से 6 साल के लाखों बच्चे पोषण आधार से वंचित होते नजर आ रहे हैं। आंगनवाड़ी जाना भी भूल चुके हैं। राजपुर विकासखंड में 390 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहीं 376 कार्यकर्ता और 274 सहकारिकाएं कार्य कर रही हैं। सहकारिकाओं की हड़ताल के कारण बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। सरकार इनके हड़ताल के संदर्भ में संज्ञान न लेकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती नजर आ रही है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल में चले जाने से हमारे छोटे बच्चे, जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे डेली गर्म भोजन खाने के लिए आते थे, उनका जो रूटीन बना हुआ था, रूटीन अभी भी फिलहाल में पूरा बैकअप हो जा रहा है कि बच्चे गर्म भोजन आंगनबाड़ी जाना भूल जा रहे हैं। ये सब पूरा नुकसान हो रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल जाने पर। राजपुर विकास खंड में 390 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसमें 376 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और 274 सहायिकाएं हैं। ये अभी सभी आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका हुआ है, उसके उपरांत में सब हड़ताल में बैठ गए हैं धरना पे। जो डेली गर्म भोजन खाने के लिए आते थे बच्चे, कुपोषित बच्चे, बच्चों को भी गर्म भोजन दिया जाता था, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बच्चों के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। सरायपाली के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक महिला कर्मचारी का आत्मघाती कदम उठाने का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने अज्ञात कारणों से ड्यूटी के दौरान बिना डॉक्टरों की सलाह के भारी मात्रा में आयरन टैबलेट खा लिया था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टैबलेट खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर कार्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सूचना दी गई। 14 तारीख को फैलेंद्री ठाकुर को दोपहर में हमारे अस्पताल में इलाज हेतु लेके आया गया था। उस समय उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक थी। उन्होंने बहुत सारा मात्रा में आयरन के टेबलेट और पैरासीटामॉल की कुछ गोलियां खा ली थी, जिस वजह से उसका स्थिति बहुत ख़राब था। उस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर प्रदामनी नायक के द्वारा उसका इलाज किया गया और इलाज के पश्चात उसको जो है हायर सेंटर के लिए मेकाहारा के लिए रिफर कर दिया गया। हाँ, उसके द्वारा विगत TL में मैं था उस दिन, उसका स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली थी, जिसे स्टाफ के द्वारा शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ से उसे तबीयत ठीक नहीं होने के कारण रायपुर रेफर किया गया। अभी रायपुर में उसका इलाज जारी है। उसका नाम कुमारी शैलेंद्र ठाकुर है, सहायक ग्रेड 2, और ये 11:30 के लगभग की घटना हुई।
जगदलपुर में मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से गरीबों की हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए दिए जाने वाले मकान नहीं बनाए जाने के चलते भाजपा ने पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्र भाजपा मंडल ने विधायक रेखचंद्र जैन के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जहां एसडीएम ने को ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार ने दीपक बैज की सरकार ने और यहाँ के रेखचंद जैन की सरकार ने जिस तरीके से हमारे गरीबों के हकों को डाका डालने की कोशिश की है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमारे गरीबों का छत निर्माण हो सके, उनका आवास बन सके, इसके लिए लगातार पैसे दे रहे हैं। लेकिन पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस की यह सरकार आज उस गरीबों के आवास पर कुंडली मार करके बैठी हुई है, उनके हक को मारने का कोशिश कर रही है, उनकी राशि उपलब्ध नहीं करा रही है। आज उसके कारण से पूरे प्रदेश में जन आक्रोश उमड़ रहा है और हमारे लोग जो कहते हैं गरीब लोग हैं जिनका आवास बनना है, वो आज रेखचंद जैन के आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन रेखचंद जैन आज यहाँ पर कहते हैं गरीबों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे। खबर सत्ती जिले से, जहाँ आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। सत्ती परीक्षा बस स्टैंड से चंपा के पास बस के कंडक्टर राजकुमार साहू को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस कंडक्टर के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कंडक्टर को टक्कर मारने के बाद कार चाय होटल को तोड़ते हुए उप पंजीकृत कार्यालय के सामने बने नाली में घुस गई। वहीं आनंद फानंद में कंडक्टर को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार चालक प्रकाश साहू भाजपा सत्ती नगर मंडल का सोशल मीडिया प्रभारी है। खबर जांचगिरी चंपा से, जहां अवैध खनन परिवहन जोरों पर है। बता दें कि ठेका समाप्त होने के बाद भी हंसदेव नदी और महानदी से रेत का अवैध खनन और परिवहन कर महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत कलेक्ट्रेट से की गई थी, जिसके बाद खनिज के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर जिले के कई थाना क्षेत्र के में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें खनिज विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए 34 वाहनों को खनिज के अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है और वहीं वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 से 26 जनवरी तक होने वाले 3 दिवसीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85 महाधिवेशन का आम जनसभा को लेकर बस्तर में कांग्रेसियों ने काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के बस्तर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन को लेकर जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। बस्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अधिवेशन के समापन अवसर पर 26 फरवरी को विशाल आम सभा का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सामने स्वर्गीय मोतीलाल बोरा सभा स्थल जोरो का आयोजित किया जाएगा। आम सभा को सोनिया गांधी, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगे। हम सब बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बैठक बुलवाई गई थी, जिसमें 26 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर एक विशाल आम सभा आयोजित की गई है, जिसमें हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इत्यादि राष्ट्रीय स्तर के नेता उस आम सभा को संबोधित करेंगे। आज हमारी संपादित बैठक में हमारे सारे बस्तर के जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारी, बूथ कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अनुभाग कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। हमारे सभी मोर्चा, प्रकोष्ठ और विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया है और उनमें काफ़ी उत्साह है और इस विशाल आम सभा को सम्मिलित होने की रूपरेखा और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाकर उनकी सूची तैयार की जाए। खबर सरगुजा से है, जहां संभाग में आस्था के नाम पर करोड़ों ठगी करने का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों से हज यात्रा के नाम पर अंबिकापुर के जामा मस्जिद के ऊपर बने अजीजी इंटरनेशनल टूर एवं ट्रेवल्स के नाम पर चल रहे ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में लोगों से ठगी की गई है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सरगुजा संभाग में 125 से 150 तक की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हज यात्रा के नाम पर 60,000 प्रति व्यक्ति का रसीद कटवाया गया था, जिसके बाद तय तिथि के दिन
हज यात्री मुंबई के लिए भी रवाना हुए थे जहां से उनकी फ्लाइट थी, लेकिन जब फ्लाइट में आने की बारी आई तब ना तो टिकट मिले और ना जा पाने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग हज यात्रा के लिए नहीं जा सके, जिसके बाद कई लोगों को वहां से वापस भी जाना पड़ा, जिसके बाद इनकी शिकायत अंबिकापुर के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। इधर पुलिस ने आरोपी इमरान रजा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये कोतवाली थाना अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई थी कि हज में जाने के नाम से जो प्रार्थी हैं उनके साथ ठगी की गई है, और जब वह मुंबई पहुंचे थे तो वहां पर जो संभावित दिन था जिसमें इनको जाना था उस दिन इनकी कोई टिकट नहीं हुई थी। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें FIR IPC की धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया गया और जो आरोपी हैं इमरान उसको आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग की 162वीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के द्वारा अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग गठन होने के बाद से महिलाओं पर हो रहे घरेलू अत्याचार सहित अन्य मामलों की सुनवाई इस राज्य महिला आयोग के द्वारा की जाती रही है। इसी कड़ी में सरगुजा संभाग के सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले की जनसुनवाई अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रखी गई थी, जिसके अधिकतर मामले शासकीय कर्मचारी के देखे गए हैं। जहां जनसुनवाई में 3 जिलों के 57 मामले सामने आए हैं, वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायका ने कहा कि अब आने वाले दिनों में बस्तर संभाग के जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस जनसुनवाई का उद्देश्य टूटे हुए घर को एकजुट करने का प्रयास किया जाना है। कोटद्वार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के बैनर तले आज सरायपाली ब्लॉक के सभी कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को किए गए घोषणा और वादे को याद दिलाते हुए उसे पूरा करने की मांग की है और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और अपनी मांगों को लेकर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। कोटवारों का कहना है कि पूर्व में पाटन के मुख्यमंत्री की घोषणा की थी कि पटवारों को मिली मालगुजार सेवा भूमि का उसको मालिकाना हक दिया जाएगा और कोटेदारों का शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाएगा, पर अब तक मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।